नमस्कार साथियों, कोरोना वायरस के चलते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं या महिलाएं हैं वो घरों में कैद हो गई है, उसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स जो समस्या सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। उससे बचने के लिए फिजियोथेरेपी के नाते जो एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ एक्सरसाइज जो घर पे कर सकता है पेशेंट, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। देखते हैं, तकिया या इस तरीके का रोलर लेना है हमें, घुटने के नीचे रखना है पेशेंट के, और पेशेंट को बोलना है कि घुटने से नीचे की तरफ बेड की तरफ प्रेशर लगाओ, लगाइए। इसमें ध्यान ये रखना है कि हिप नहीं उठना चाहिए, आपका हिप टिल्ट नहीं होना चाहिए। प्रेशर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। कोशिश करें पंजा अपनी तरफ रहें। अगेन 1 2 3 4 5, रिलैक्स। पहली एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड में क्या करना है, आपको पूरा बैक स्ट्रेट करना है और बिलो द एंकल एडी की हड्डी के नीचे तकिया रखना है, फिर दबाना है। कोशिश करो इस टाइम थोड़ा सा आपका पैर यहां से बेंड हो। अब दबाइए, 5 सेकंड होल्ड, कम से कम 5 सेकंड होल्ड रखना है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। दूसरी एक्सरसाइज होगी, थर्ड वन, पैर बेंड करिए, इस तरीके से रखना है, एडी को नीचे दबाना है, पंजा ऐसे उठा होना चाहिए, आपका प्रेशर इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, दबाइए, वो 5 से 10 सेकंड होल्ड रखना है, रिलैक्स। फिर वापस दबाइए, रिलैक्स। पैर सीधा कीजिए, वापस मोड़िए, सीधा कीजिए, वापस मोड़िए। पांचवी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस पैर को मोड़ना है, पूरा मोड़ लो, इस पैर का पंजा अंदर खींच के धीरे धीरे उठाइए, उठाइए, बस यहां तक रखना है, फिर नीचे छोड़ देना है, वापस उठाइए, नीचे छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है जिस पेशेंट को कमर दर्द या स्लिप डिस्क है या सियाटिका की प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। नेक्स्ट, दोनों पैर इस तरीके से रखने हैं, आपको जो घर पे गिर गया। अगेन छठी एक्सरसाइज, इस तरीके से तकिया लेना, दोनों पैरों को एक घुटनों के बीच में दबाना है। अब घुटनों से दबा के रखो, थोड़ी सी बैक उठनी चाहिए आपकी, गुड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगेन घुटनों को दबाओ, कमर उठाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट वन, दोनों पैर सीधे करने हैं, दोनों पैरों के रिलैक्स रिलैक्स, दोनों पैरों के पंजे अपनी तरफ खींचने हैं, ये छोटे उंगली है इसको अपनी तरफ खींचना है, और इस तकिए को दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से रख के दोनों घुटनों से दबाना है। अब क्या करना है, पंजे अंदर है, दोनों घुटनों का नीचे और इस तकिए पे प्रेशर लगना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है, 7 एक्सरसाइज होगी, इन एक्सरसाइज के 10 से 20 रिपीटेशन कर सकता है पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी ताकत के हिसाब से, एक्सेसिव नहीं करनी है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर सकता है। एट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें उल्टा लेटना है, लेट जाइए उल्टा, पंजे इस तरीके से खड़े करने, अब घुटनों को बीच में से उठाना है, टाइट करना है, गुड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। फिर दोनों पैर एक साथ जहां तक मोड़ सकता है बिना दर्द वहां तक मोड़ने हैं, सीधे करने हैं, वापिस मोड़ना है, सीधा करना है, वापिस मोड़ना है, सीधा करना है, ये करना है। आप सीधा लेट जाइए, फिर आराम से बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हुए दोनों पैरों के पंजे अपनी तरफ खींचने हैं, पूरा छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि हम कम चल पा रहे हैं घर में, बार मूवमेंट नहीं हो रहे, तो आपके काफ का पंप, इस एक्सरसाइज में आपको पैरों के पंजे इस तरीके से चलाने हैं,
इससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर का खून का दौरा वो चलेगा, आपकी मांसपेशियां, काफ की मांसपेशियां, पिंडलियों की मांसपेशियां वो टाइट नहीं होगी। इस तरीके से चलाते रहिए, इसको 20 से 30 बार कराना है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, पेशेंट को बेड पे बैठ पे दुपट्टा या इस तरीके का कोई बेल्ट लेके पंजे में रखना है, मरीज को खुद को अपने दोनों हाथों की ताकत से पंजे को ऊपर उठाना है, उठाओ उठाओ, स्ट्रेच, घुटना पंजा अंदर आना चाहिए, घुटने का दाब नीचे लगना चाहिए, रिलैक्स, वापस उठाइए, रिलैक्स, 10 रिपीटेशन इस पैर से करने हैं, 10 रिपीटेशन उस पैर से करने हैं। ओके रिलैक्स, ठीक है। आज जिस तरीके से हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के दर्द से बचाव के लिए जो एक्सरसाइज सीखी है, आई होप कि आप लोग इससे बहुत कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों की दिक्कत है, वो उनको आप एक्सरसाइज करा के थोड़ा बहुत उनके दर्द में राहत दिला पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।